अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कंपनी लाया हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। इसका नाम है फिरोज सन लेबोरेटरी लिमिटेड। अब ये फिरोज सन लेबोरेटरी क्या करती है? आप लोगों को जैसे कि पता होगा, हर घर में, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर घर में मेडिसिन लाया जाता है, पैरासीटामोल, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की। ये लेबोरेटरीज उन्हीं की चीज़ें जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो कि स्वीडन में कंपनियां हैं, यूएसए में हैं, बॉस्टन अमेरिका में है, उनकी जितनी मेडिसिन है वो ये लोग बेचते हैं पाकिस्तान में, और ये लोग आप लोगों तक ये फैसिलिटी लाते हैं। और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1960 से है। तो उम्मीद करता हूँ फिरोजसन लेबोरेटरीज का आपको पता लग गया होगा ये क्या करते हैं, मेडिसिन कंपनी है। आ जाएं अब इसके चार्ट की तरफ। मैंने जो इसका चार्ट की वर्किंग आपके लिए की है वो इस तरह है कि आपने इसी कंपनी में फरवरी 2012 में अपना वही पाकिस्तानी 1,000 रुपया लगाया होता तो ये बॉटम गया था 43 रुपये 93 पैसे, और आपको इसके शेयर्स मिलते 22.76, और आप लोगों ने यही 22.76 को 4 साल की साइकिल में बेचा होता। जनवरी 2016 में ये देखें बेचा होता तो आपको वही 22.76 से 901 रुपये का पीक मारा, आपको 1,000 से 20,500 रुपया बनता। ये कंपनी ने कुछ इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया, बोनस नहीं दिया आपको, लेकिन औसतन 4 सालों में 4 दफ़ा इसने डिविडेंड दिया, और मैंने इन 4 सालों को एवरेज निकाल के 77% का आपको डिविडेंड मिला। और ये आपको 22.76 शेयर्स के ऊपर 77% का जो डिविडेंड मिलता, आपको हर एक साल में 1.46 का शेयर मिलता डिविडेंड के मुताबिक। और आपको जैसे मैंने बताया है कि 4 इसने डिविडेंड दिए हैं, 1.46 को 4 से ज़रब दें तो 5.84 आपको इसके शेयर मिलते। और एवरेजली मैंने इन 4 डिविडेंड को 4 डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिवाइड किया तो इसकी आई 301 रुपये शेयर्स का रेट। आपको मिलता अगर आप होल्ड करते पीक तक तो 1,750 रुपये आपको डिविडेंड मिलता, और अगर आपने इसको आज तक होल्ड किया था 2023 तक तो आज की वैल्यू है 3,960 रुपये। 1,000 रुपया लगा के आपको ऑलमोस्ट 6,000 रुपया बना रहता आज तक, लेकिन चूंकि अगर आपने पीक पे बेचा होता 4 साल की पीक में तो आपको 20,500 रुपया बनता। दोस्तों पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी फायदा है, इधर भी वही चीज़ें हैं जो बाहर के मुल्क में हैं, लेकिन अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट में घुसना चाहते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में, बाहर की मार्केट में, ये आप लोगों के ऊपर इसका फैसला है, मेरे ऊपर फैसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि मैं मार्केट के कौन से फेज में घुस रहा हूं। जिस तरह ये देखें, 2000 आपने 12 में इसके अंदर घुसे थे फरवरी में, अब देखो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका पीक खत्म हो गया। अब जो करंट मार्केट की सिचुएशन है मैं आपको वो भी बता देता हूं। करंट मार्केट की सिचुएशन ये है कि इसने ए बी और ये सी करेक्टिव वेव पे अभी तक इसने कंप्लीट नहीं किया, अभी इसने 1, 2, 3, 4, 5 मारना है। ये तकरीबन एक आधा साल लगेगा इसको अपना बॉटम मारते हुए। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या करना है।
देखो मैं तो आप लोगों को सरमायाकारी का बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। आप लोगों ने अपने माइंड सेट को जगाना है कि आप लोगों ने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ मेरे इस फेसबुक चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप लोगों को सरमायाकारी का पता लगता जा रहा है। कोई गरीब है तो वो अब ये नहीं कह सकेगा कि मैं गरीब क्यों हूँ। अब गरीब है तो वो अपनी सोच की वजह से है। अपनी तनख्वाह में से हजरत यूसुफ के फॉर्मूले के मुताबिक 10% आप सरमायाकारी में लगाते रहो, 90% आप खाओ पियो अपने घर के खराजात चलाओ, लेकिन 10% का आपने जरूर आपने निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपके लिए है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे लिए। थैंक यू गाइज, अस्सलाम वालेकुम।